स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12.5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका एक रफ सा स्ट्रक्चर मैंने खुद से बनाया है। तो आपको जस्ट दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो अमिट आउट हो रही हैं। तो ये रेडियली आउटवर्ड इसका फील्ड है और ये थ्री डायमेंशनल है, आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है उसकी तरफ अगर गौर करें ना, तो सबसे पहले आप देखें कि आप एरिया का क्या फार्मूला होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, एक छोटा सा पैच है मेरे पास, इसकी ये वाली जो है एक साइड, ये वाली अगर लंबाई है और ये जो उसकी है चौड़ाई है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ये जो एक प्लेन जनरेट होगी ये एरिया कहलाता है। अब इस एरिया के अंदर से एक वक्त में कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती हैं, तो स्टूडेंट्स ये देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके सामने हैं, इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो आप इसको उसके ऊपर देखें कि कितनी लाइनें इसमें से पास कर रही हैं। अगर इसमें से चार लाइनें पास करती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार है, अगर दो लाइनें पास करती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दो है। तो इसको समझने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी करके आपको दिखाऊं, सोचो कि मैंने उसको काट दिया है और आप देखें जरा गौर से, एक वक्त में अब इसमें से दो लाइनें पास आउट कर रही है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दो है, अब इस वक्त इसमें से तीन लाइनें पास आउट कर रही हैं, तो इस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तीन है। और अगर इसमें से इस वक्त देखें कि तकरीबन पांच लाइनें इसमें से पास आउट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पांच है। अगर इसमें से दस लाइनें पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दस होगी, जितनी लाइनें पास आउट करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, अब जो इसमें जो डिफिकल्टी आपको आ रही है ना, वो इस चीज़ में आ रही है, ये तो हो गई प्लेन एरिया प्लेन। अब इसमें वैक्टर एरिया का जिक्र आया, ये वैक्टर एरिया जो होता है ना वो प्लेन के ऊपर हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि ये मैंने आपके सामने रखा है, ये उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब जो एंगल बनता है ना स्टूडेंट्स, उस ये इस परपेंडिकुलर वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान बनता है। अब सोचें कि मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है, चले ये वाला इजी है, तो इसको इस तरह से मैंने रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ है ऐसे, ठीक है, और ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है उनके ऊपर, लेकिन जो प्लेन का एरिया है वो और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप देख सकते हैं एरिया के ऊपर जो है वो वेक्टर एरिया, ब्लैक वाला जो एरो है ये वेक्टर एरिया का है और रेड वाली जो है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पर पैरेलल है। ये देखें ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ऊपर की तरफ, ये रेड वाला जो है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ, इधर अगर आप देखें ऊपर की तरफ, और जो ये है प्लेन, ये इस पेज वाली जो प्लेन है इसके ऊपर इसका वेक्टर एरिया है, तो ये भी ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये भी ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल होंगे और जो एंगल होगा वो होगा इनके दरमियान जीरो का, और कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है वन, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी किस केस में, जब प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर है लेकिन वेक्टर एरिया पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। तो इस सूरत में ये आपका पहला केस है। ये डायग्राम आपकी बुक के हिसाब से अगर देखें तो ये इक्वेशन है जी आपके पास 12.7 और डायग्राम आपकी बनती है जी 12.13b, पेज है बुक का 10। उसके बाद दूसरा केस जो है वो डिस्कस करते हैं। अब उसी एरिया को देखें, अब मैं इसको इस तरह से रखता हूँ, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस तरह रखने से इसमें से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगी। इस सूरत में जो हमारी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा जब आपने उस एरिया को इस तरह रखा हुआ है तो वैक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या बनेगी विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो आप देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वेक्टर एरिया के दरमियान, जो कि वेक्टर एरिया हमेशा ही एरिया जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है, अब ये प्लेन तो पैरेलल है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, लेकिन इसके ऊपर वाला जो वेक्टर एरिया है स्टूडेंट्स, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, अगर ये इस तरह से है तो वेक्टर एरिया जो होगा, अगर ये पैरेलल है इस तरह से है
तो वेक्टर एरिया जो है वो इस तरह से है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ इस तरह से शेप बनेगी। ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे और इनके दरमियान एंगल कितना होगा 90 का, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। आप देख सकते हैं जब आपका ये जो प्लेन है इस तरह पड़ा हुआ है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बट वेक्टर एरिया विच इज़ नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एंड इन दिस केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो। और ये जो है आपके जो पेज है बुक का पेज नंबर 10 और उसके ऊपर डायग्राम जो है 12.13C, इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम। अब अगर स्टूडेंट्स बात की जाए कि ना एंगल 0 है ना एंगल 90 है, तो कोई एंगल और भी तो हो सकता है, उसकी उसका क्या मतलब है, ना ये सिचुएशन है और ना ये सिचुएशन है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कोई उसका एंगल बन रहा है। तो ठीक है, आप उस एंगल की वैल्यू मेजर करके, एंगल की वैल्यू किन के दरमियान मेजर करनी है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू मेजर करके आप रख दें। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला सिंबल है और ई और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है, तो आप देख लें। तो इसका अगर तो एंगल आपको 90 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो आप देखें एंगल क्या है, तो उस एंगल की वैल्यू कॉस थीटा की जगह पुट करके उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करें, ई की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू पुट करें, तो आपको इसका जो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो टोटल 3 केस डिस्कस किए गए हैं। पहला केस क्या है कि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, लेकिन नॉर्मल जो है वेक्टर एरिया जो है वो तो पैरेलल है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल जो है वो 0 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है कॉस 0 1 के इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और ये जो दूसरी डायग्राम है इसमें जो प्लेन है वो पैरेलल है, लेकिन वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान एंगल 90 है और फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। और ये जो तीसरी डायग्राम है इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ज़रूरी तो नहीं कि एंगल 0 हो या 90 हो, इसके अलावा कोई और भी एंगल हो सकता है, मे बी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, कुछ भी है 0 और 90 के दरमियान। तो ठीक है, आप उस एंगल की वैल्यू को पुट करें और उसका ये एक जनरल फार्मूला दिया गया है, ई ए कॉस थीटा, जिसको हम ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, ये इसका जनरल फार्मूला है। एंगल की जो भी वैल्यू होगी इधर सब्सिट्यूट करके तो आप आंसर निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।